बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सातकैन एजुकेशन सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्लास टू स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन, सेफ एंड वेल एट योर होम। ओके क्लास टू स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर ऑनलाइन सेशन अगेन। सो लेट्स बिगिन द 26th सेशन ऑफ मैथ्स। इन दिस सेशन वी विल कंप्लीट the topic of subtraction on our book page number 113 and we will complete forward counting in our copy. We are going to do two topics today, the topic of subtraction and we will complete forward counting in our maths copy. First of all, open your maths copy. Okay, in your maths copy, all of you make an index forward counting. Write down the date here, write down today's date and write forward counting. Then come on a new page. Okay, class 2, on a new page, write down date and homework. Then write down heading forward counting 1401 till 1450. आपने फॉरवर्ड काउंटिंग कहाँ तक कंप्लीट करनी है? 1401 से 1450 तक अपनी कॉपी में कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे मैंने बेटा यहाँ पे बता दिया है किस तरह आपने कंप्लीट करनी है, 1401, 1402, 1403, इस तरह 10 तक कंप्लीट करेंगे, 1410, फिर 1411 से 1420 तक, 1421 से 1430, 1431 से 1440 एंड 1441 से 1450 तक आपने काउंटिंग कंप्लीट करनी है विद वेरी गुड हैंड राइटिंग। आपने बहुत अच्छी राइटिंग में कंप्लीट करनी है, जिस तरह आप क्लास में आप ये वाला काम करते हैं, आपको काम ये काउंटिंग आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप जो है आप कंप्लीट करेंगे अपनी मैथ्स की कॉपी में। ओके, देन ओपन योर मैथ्स काउंटडाउन बुक। ऑल ऑफ यू ओपन योर मैथ्स काउंटडाउन बुक पेज नंबर 113। We are going to do page number 113. This is length. हम subtraction करेंगे. It is simple to find the difference between two length. Each express in meter and centimeter. बेटा ये बहुत easy है. मैंने आपको जो है class में जब आप school बेटा आ रहे थे, मैंने आपको ये addition करवाया था. हमने length का addition किया था, जहाँ हमने मीटर और सेंटीमीटर के सम्स को ऐड किया था, साथ में जो हमें दिए हुए थे हमने दोनों लेंथ जो है कैलकुलेट की थी। ठीक है, यहाँ पे हमने एडिशन किया था, एडिशन के सम्स हमने क्लास में कंप्लीट किए थे, लेकिन सब्ट्रैक्शन के सम्स जो है बेटा अब हम अपनी बुक में मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ आपने किस तरह कंप्लीट करना है। बहुत इजी टॉपिक है, आपने सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है किस तरह हमने ये वाला टॉपिक अपनी बुक में कंप्लीट करना है। डिफरेंस के मीनिंग होते हैं बेटा माइनस करना। डिफरेंस के क्या मीनिंग होते हैं? माइनस करना। बिटवीन टू लेंथ, दो लेंथ गिवन है, आपने उनका डिफरेंस लेना है। ईच एक्सप्रेस इन मीटर एंड सेंटीमीटर, हर जो लेंथ गिवन है बेटा उसमें मीटर भी गिवन है और सेंटीमीटर भी गिवन है। ठीक है, लुक एट द स्नेक्स ऑन पेज 112। व्हाट इज द डिफरेंस इन देयर लेंथ? हाउ मच लॉन्गर इज स्नेक वन देन स्नेक टू? वो आपसे कह रहे हैं कि आप बुक पेज 112 पे देखें कि दो स्नेक्स गिवन है और उनकी लेंथ जो है गिवन है। एक की है बेटा 1 मीटर 75 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो फर्स्ट स्नेक है, जो स्नेक वन है, वो है 1 मीटर 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो स्नेक टू है वो है बेटा 1 मीटर 22 सेंटीमीटर लॉन्ग। 1 मीटर 22 सेंटीमीटर, अब आप बताइए कौन सा बड़ा है? दोनों 1 मीटर के हैं, यहाँ पे दोनों 1 मीटर के हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ 75 सेंटीमीटर है जो कि बड़ा है 22 से, यानी कि स्नेक वन जो है 22 से क्या है, स्नेक वन जो है स्नेक टू से बेटा लेंथ में बड़ा है। हम इन दोनों का कितना बड़ा है तो हम इसके लिए हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर देखें, इन्होंने हमें ये सम जो है बना के दिया है। फर्स्ट वी वर इन द सेंटीमीटर कॉलम। बेटा मैंने आपको क्लास में भी एक्सप्लेन किया था जब हमने ये एडिशन किया था कि हम हमेशा पहले सेंटीमीटर, ये वाले सेंटीमीटर वाला जो कॉलम है वह यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
तो सेंटीमीटर के नीचे आपने सेंटीमीटर को कॉपी कर देना है एज इट इज़, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे माइनस करना है, 5 माइनस 2 तो 3 आंसर है बेटा, 3 यहाँ पे लिखा है, और 7 माइनस 2 यहाँ पे आपका 5 आंसर है, ठीक है। अब आपने मीटर के नीचे बेटा मीटर राइट करना है एज इट इज़, 1 माइनस 1 0, 1 में से 1 माइनस के 0, यानी कि इन दोनों स्नेक्स का जो डिफरेंस आया, यानी कि स्नेक 1 जो है वो 53 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, स्नेक 2 से। यहाँ पे भी देखें इसी तरह दोनों, देन वी वर्क इन द मीटर कॉलम। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं कि सेंटीमीटर के कॉलम पे हम पहले वर्क करते हैं, पहले हम जो है हमेशा जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं या मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, हमेशा याद रखें हम कौन सी साइड से करते हैं, राइट हैंड साइड से। जो राइट हैंड साइड वाला नंबर होता है ये आपका लेफ्ट साइड वाले नंबर है, ये आपके राइट साइड वाले नंबर है, तो हम राइट हैंड साइड से हम हमेशा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ये जो है यहाँ पे जो है बेटा आंसर गिवन है, इनका आंसर क्या आ गया, द डिफरेंस इज 0 मीटर, 53 सेंटीमीटर और 53 सेंटीमीटर, ठीक है। स्नेक 1 इज 53 सेंटीमीटर लॉन्गर देन स्नेक 2। स्नेक 1 जो है बड़ा है, स्नेक 1 जो पेज 112 पे वो बड़ा है, कितना बड़ा है, 53 सेंटीमीटर जो है ज़्यादा है वो किससे, स्नेक 2 से, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हमें डिफरेंट जो है लेंथ गिवन है और सब पे हमने सब्ट्रैक्शन करना है, सब सारे सम्स में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। मैं ए से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है बेटा। सेंटीमीटर के नीचे आपने सेंटीमीटर एज इट इज़ कॉपी करना है, जैसे सेंटीमीटर लिखा है उसी के नीचे आप कॉपी करेंगे बेटा, आगे पीछे नहीं करिएगा। मैं आपको बार बार ये बात क्लास में भी बताती हूँ कि जो सेंटीमीटर है उसी के नीचे सेंटीमीटर लिखना है, कुछ बच्चे आगे पीछे कर देते हैं, यहाँ सेंटीमीटर आ रहा है यहाँ नंबर जा रहा है, इस तरह मत करिएगा। जहाँ आपको गिवन है सेंटीमीटर उसी के नीचे सेंटीमीटर राइट करेंगे, और नंबर के नीचे आपने नंबर का आंसर देना होता है। जैसे अगर 9 में से आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका नंबर यहीं लिखेंगे, इन्हीं के नीचे लिखना है आपने, आगे पीछे नहीं करना है, ठीक है। तो 9 माइनस 1, अब 9 में से आपने 1 सब्ट्रैक्ट करने हम कर सकते हैं क्योंकि 9 जो है बेटा बड़ा नंबर है, उसमें से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। काउंट 9 विथ मी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब्ट्रैक्ट 1, 1 आपने सब्ट्रैक्ट किया, हाउ मेनी आर लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आर लेफ्ट हियर, माय आंसर इज 8। देन 2 माइनस 2, 2 में से 2 आपने लेस किए, आपके पास 2 जो है नंबर्स थे 1 2, आपने 2 दोनों 1 2 ही सब्ट्रैक्ट कर दिए तो कोई नंबर नहीं बचा, यू विल राइट 0 हियर। देन राइट मीटर, यहाँ आपने मीटर मीटर है आपका तो आप मीटर को एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, आपने कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ साइन जो आपको गिवन है मीटर वो आपने कॉपी डाउन करना है। देन 4 माइनस 3, 1 2 3 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 1 2 3 सब्ट्रैक्ट 3, हाउ मेनी आर लेफ्ट, 1 इज लेफ्ट, राइट 1 ईयर। यहाँ पे बेटा इसमें इस सम्स में कोई बोरो नहीं था तो बोरो करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ये बोरो के बगैर सॉल्व किया है। अगर हम ज़रूरी नहीं है कि बेटा इनमें जो है बोरो के सम्स ना हो, इनमें हमें बोरो करने की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। हो सकता है कुछ सम्स में हमें ना पड़े लेकिन कुछ में हमें पड़ भी सकती है। जिस तरह आपको मैंने एडिशन करवाया था कुछ सिंपल एडिशन के सम्स थे और कुछ में कैरी भी हुआ था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कुछ सिंपल सब्ट्रैक्शन के हैं और कुछ में सब्ट्रैक्ट विद बोरो भी होगा। तो आपने क्या करना है, नंबर पे अच्छी तरह कॉन्सेंट्रेट करना है क्लास टू। अगर आप नंबर्स को अच्छी तरह देखेंगे तो बड़ा ऊपर जो है, ऊपर वाली जो हमारा लाइन के नंबर्स हैं, जो ऊपर वाली लेंथ है उसमें ऊपर बड़े नंबर गिवन है तो हमें फिर जो है नहीं करना पड़ेगा, बोरो नहीं करना पड़ेगा और नीचे छोटे नंबर होंगे, ठीक है। अब आपने चेक करते हैं, कंप्लीट करना है मेरे साथ 20 सम्स। सेंटीमीटर, राइट डाउन सेंटीमीटर हेयर, 9 माइनस 8, 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं, 9 क्योंकि 9 बड़ा है 8 छोटा है, आराम से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाउ मैनी आर लेफ्ट, 1 इज लेफ्ट, ओनली 1 इज लेफ्ट। देन 7 माइनस 6, यू कैन सब्ट्रैक्ट इट ईजली,
because 7 is greater than 6, you can subtract 6 from 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Subtract 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many are left? 1. Only 1 is left. Write 1 here. Then write meter. 3 minus 1. 1, 2, 3. Minus 1. 1, 1, 2. 2 are left here. 2 meter, 11 centimeter. Then check out third sums. Write centimeter. Okay. Then 4 minus 4. 4 minus 4. 4 थे आपके पास. 4 में से 4 less कर देंगे तो 0 answer आ जाएगा. 5 minus 4. यहाँ पे भी बेटा बोरो की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि 5 जो है बड़ा है 4 से. 1, 2, 3, 4, 5. Minus 4. 1, 2, 3, 4. How many are left? 1. Only 1 is left here. Write down 1. Then meter. Write meter. जब मीटर है उसको कॉपी डाउन करेंगे मीटर के नीचे. ठीक है. 6 माइनस 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. माइनस 5. 1, 2, 3, 4, 5. How many are left? 1. Only 1 is left. Okay. Very easy. ये तीनों तो बेटा सिंपल सब्ट्रैक्शन के सम्स थे. बहुत ईजी थे. ईजिली हो गए. ठीक है. अब हम आएंगे डी पे. सेंटीमीटर की जगह आपने सेंटीमीटर कॉपी कर देना है. ठीक है. नाउ 2 माइनस 6. अब जो है यहाँ पे देखें हमें बोरो की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 2 माइनस 6 है. क्या आप 2 में से बेटा 6 को लेस कर सकते हैं? आपके पास 2 है. आपके पास सिर्फ 2 है उसमें से आप 6 को लेस नहीं कर सकते बिकॉज 2 इज़ स्मॉलर दैन 6. 2 जो है 6 से छोटा है तो हमें बोरो करना पड़ेगा. आप बोरो कहाँ पर करेंगे बेटा? वेरी सिंपल. जिस तरह आप सिंपल सब्ट्रैक्शन करते हैं बस यहाँ पे लेंथ आपको गिवन कर दी कि मीटर में और सेंटीमीटर में गिवन है. वरना आपका प्रोसीजर पूरा सब्ट्रैक्ट करने का वही है. ठीक है. तो यहाँ पे आपने बोरो करना है 5 में से. इट विल बिकम 12 एंड 4 आर लेफ्ट हियर क्योंकि बेटा हमने एक जो है बोरो कर दिया तो वो 12 हो गया है. ठीक है. और यहाँ पे 4 जो है रह गए हैं. ठीक है. अब नाउ सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 12. अपने 6 जो है 12 में से सब्ट्रैक्ट करने हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Minus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many are left? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 are left here. Write down 6. Then 4 minus 4. बेटा नंबर के नीचे नंबर राइट करेंगे. 4 माइनस 4. राइट डाउन 0. बेटा आपके पास 4 थे. 1, 2, 3, 4. सब्ट्रैक्ट किए 4. 1, 2, 3, 4. 0 आर लेफ्ट. ठीक है. कुछ नहीं बचा. और मीटर की जगह आपने मीटर राइट करना है. देन 7 माइनस 3. वेरी सिंपल. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. माइनस 3. 1, 2, 3. हाउ मैनी आर लेफ्ट? 1, 2, 3, 4. 4 आर लेफ्ट हेयर. Write down 4. Then come on next sums. Centimeter की जगह बेटा centimeter write कर देंगे. Very simple. 9 minus 8 आप subtract कर सकते हैं क्योंकि 9 है. 9 में से 8 जो है आप easily subtract कर सकते हैं. आपको borrow करने की ज़रूरत नहीं है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 minus 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. How many are left? 1. Only 1 is left here. Then 7 minus 6. 7 में से आपने 6 less करने हैं. यहाँ भी आंसर 1 आना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Then subtract 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many is left? 1. Only 1 is left here. Then write meter. 0 माइनस 7. अब आप 0 में से 7 को लेस नहीं कर सकते. यहाँ पे आपने बोरो करना है. राइट 0 हेयर और ये 10. अब बेटा ये मैंने आपको यहाँ पे बोरो करके दिखा दिया क्योंकि आपने बोरो करना है. वैसे अगर आप 10 में से डायरेक्ट 7 को करते तो वही बात होती. ठीक है. तो 10 माइनस 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. माइनस 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. How many are left?
1, 2, 3. 3 are left here. Easy, class 2 easy. मुझे पता है क्लास 2 के मेरे सारे बच्चे जो है बहुत अच्छे से सब्रैक विद बोरो का जो है टॉपिक जानते हैं, और आप लोग को बेटा कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है. ये बहुत इजी टॉपिक है. बस यहाँ पे सेंटीमीटर और मीटर में आपको जो है सब्रैक के सम्स दिए हुए हैं, आपने सब्रैक्शन करनी है. क्योंकि लेंथ है, लेंथ हमें गिवन है सब में, तो मीटर और सेंटीमीटर सब सम्स के साथ है. वहाँ पे आपने, मैंने आपको बता दिया क्या करना है. जिस तरह आपने एडिशन में एज इट इज़ कॉपी किया था सेंटीमीटर और मीटर, इसी तरह यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में भी बेटा आपने एज इट इज़ कॉपी करना है. ठीक है, कोई इसमें मुश्किल की परेशानी की बात नहीं है. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट सम. सेंटीमीटर, राइट डाउन सेंटीमीटर हेयर. 9 - 2, 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 - 2, 1, 2. हाउ मैनी आर लेफ्ट? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 आर लेफ्ट हेयर. देन 4 - 3. 1, 2, 3, 4 - 3. 1, 2, 3. हाउ मैनी आर लेफ्ट? 1. ओनली 1 इज लेफ्ट. राइट मीटर. 8 - 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 are left here. Then 1 - 1, 0. Okay. Class 2, आपने जो है, मैंने आपको ये 6 sums जो है complete करवा दिए हैं book में. आपने जो है complete करने हैं ये 3 sums, ये आप खुद करेंगे. मैं आपको complete नहीं करवा रही हूँ क्योंकि इससे आपकी practice भी होगी. बेटा क्लास 2 आपने जो है बिल्कुल भी स्टॉप नहीं करनी है, पढ़ाई को आपने छोड़ना नहीं है. आपने उसी तरह पढ़ना है जिस तरह आप स्कूल आ रहे थे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह ताला ज़रूर होंगे. और आपने प्रैक्टिस करनी है इन सम्स की. बुक में भी ये पहले आप कॉपी डाउन करेंगे सारे सम्स, ये जो 6 मैंने कम्प्लीट करवाए इसी तरह नीटली आपने कम्प्लीट करने हैं. ठीक है, और उसके बाद ये वाले जो 3 जो रह गए हैं ये आप खुद कम्प्लीट करेंगे. ठीक है, जहाँ पे बोरो करना है वहाँ पे आपने बोरो लेना है, जहाँ पे नहीं है ज़रूरत तो वहाँ पे बोरो नहीं लेंगे. तो बहुत केयरफुली आपने ये सम्स खुद से कंप्लीट करने हैं. ये पेज आप कंप्लीट करेंगे विद वेरी गुड हैंड राइटिंग, और फॉरवर्ड काउंटिंग आप कंप्लीट करेंगे अपनी कॉपी में. ठीक है, तो बेटा आपने घर पर भी इन सम्स की प्रैक्टिस करनी है, अपनी रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें, ताकि आप जो है और कोई भी जो कन्फ्यूजन है आपको इस टॉपिक के लिए वो आपकी जो है आपको पता चल जाए और दूर हो जाए. ठीक है, और आपको ये सम्स बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए. और बेटा अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, बार बार वीडियो चेक करें और वीडियो को देखें बार बार, तो आपको फिर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ओके. दिस सेशन ऑफ पेयर्स हैज बीन कम्प्लीटेड. नाउ वी विल डू सम इंटरेस्टिंग एंड न्यू टॉपिक इन आवर नेक्स्ट सेशन. Till then, take care of yourself, class 2. Allah Hafiz.